हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद आप लोगों के बीच जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम पढ़ रहे थे उसी क्लास का ये दूसरा भाग आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जानेंगे वैसे प्रश्न जिसका जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और हम उसी क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच आए हैं। अब जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहिएगा इसका स्क्वायर रूट तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ए प्लस बी हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा टर्म बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन इस टाइप में अगर रहते हैं कि ए प्लस बी, मतलब इस टाइप में दो टर्म रहता है प्लस में या फिर माइनस में, और उसका स्क्वायर रूट बताना रहता है, तो हम हमेशा फोकस करेंगे ये प्लस दो या फिर माइनस दो पे। क्वेश्चन में ये प्लस दो या फिर माइनस दो होना ही चाहिए। अगर प्लस दो माइनस दो नहीं है तो हमको वो चीज़ लाना पड़ेगा। ये चीज़ ला देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो बस ये प्लस टू पे फोकस करना है। इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं हम आपको बीच लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 + √6 का वर्ग मूल है। देखिए, 5 + √6 का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है। वर्गमूल बोले तो 5 + √6, ये चीज आपको पता करना है। देखिए, पहले तो हम एक प्रोसेस आपको बता देते हैं कि वो चीज कैसे आता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब जैसे देखिए, हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो रहना चाहिए, जब तक दो नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। यहाँ पे दो आ गया है, ये दो आ गया है। अब √6 को लिखेंगे √3 × √2, 3 × 6 होता है। अब आप रूल क्या पढ़े, रूल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये था। तब देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया आपका b हो गया। अब है यहाँ पे ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया आपका √3, ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस। अब है यहाँ पे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया आपका √2, ये हो गया √2 का स्क्वायर, और ये 2 √6, इसी तरीके से ये चीज हो गया। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। अब हम इसको लिखेंगे √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 + √2। ये तो एक इसका एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे इसका वर्गमूल पूछा जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा इसका √3 + √2। अब देखिए, क्या ये सब करना जरूरी है, तो नहीं, ये सब करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये सब करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब देखिए, हम इस चीज को 2 + √3 + √2 में तोड़ दिए, 2 को हटा देंगे, √3 और √2। अब देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 यहाँ पे है ही।
अगर वैल्यू प्लस में है तो प्लस में उत्तर होगा, माइनस में है तो माइनस में उत्तर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा √3 + √2। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हमारा ये आना चाहिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का प्लस करके ये आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया √3 + √2। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सेवन माइनस फोर √3 का वर्गमूल होगा। अब देखिए हम उसी प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं, इसका वर्गमूल बताना है। तो हम क्या बताएं, दो रहना चाहिए, दो हम निकाल लेते हैं, तो दो चार से निकलेगा तो बचेगा क्या, दो और √3, ये बचेगा, दो दूनी चार √3, दो को हटा देते हैं तो बचता है दो और √3। अब देखिए दो का स्क्वायर चार, √3 का स्क्वायर 3, चार और 3 7 हो जाता है, माइनस में है, ये माइनस में इसका उत्तर हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 2 - √3। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 + √3 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए हम वही तरीका लगाते हैं, इसका वर्गमूल बताना है, दो तो यहां से निकल जाएगा तो बचेगा क्या √3। अब √3 को दो नंबर में टूट तोड़ना है तो टूटेगा नहीं, हम क्या करते हैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा √3 और 1, दो को हटाने के बाद वैल्यू किस में है प्लस में है तो ये प्लस में उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 को हो रहा है, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, √3 19 - √3 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल बताना है, हम इससे दो निकाल लेते हैं, दो निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, यहां से 4 बच जाएगा, 4 × 2 = 8, अब बच क्या गया √3 बच गया, 2 को यहां से हटा देते हैं, ये हो गया 4 √3। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 = 19 यहां पे होता है, वैल्यू माइनस में है, ये आपका माइनस में उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 13 - √3 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए तो 13 - √3 का वर्गमूल बताना है, हम यहां से क्या करते हैं दो निकालते हैं,
दो चार से निकालेंगे तो बचेगा दो और रूट थ्री, दो को हटाएंगे तो बचेगा दो और रूट थ्री। अब देखिए, दो का स्क्वायर चार, रूट तीन का स्क्वायर तीन, चार और तीन सात होता है, यहाँ पे है क्या 13, तो ये पेयर आपका नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, मतलब इस दोनों को एक बना लेते हैं। जब इस दोनों को ए बनाए हैं इस, तो बी का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 और 1। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 दिया है 12, 12 और 1 13 हो जाता है। अच्छा, वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस में आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 76 + 10 रूट थ्री का वर्गमूल होगा। देखिए, 76 + 10 रूट थ्री का वर्गमूल बताना है। चलिए, यहां से हम दो निकालते हैं, दो निकालते हैं तो बचता क्या है 5 और रूट थ्री बचता है, दो को हटा देंगे, एक बचेगा ए के रूप में 5 और बी के रूप में रूट थ्री। अब देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 25 और 3 28 होगा, जबकि यहाँ पे दिया क्या गया है 76, तो ये टर्म आपका नहीं बन सकता है। हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इस दोनों को अगर ए बनाएंगे तो बी के रूप में हमको यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। अब हम करके देखते हैं, 5√3 और 1। अब देखिए, 5 का स्क्वायर 25, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 25 दिया है 75, 1 का स्क्वायर 1, 75 और 1 76, 76 तो है यहाँ पे। अब वैल्यू प्लस में दिया गया है, ये आपका प्लस में उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। रहा है 2 − √3 का वर्गमूल क्या होगा, 2 − √3 का वर्गमूल बताना है। देखिए, 2 − √3 हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, जब तक 2 नहीं आएगा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं अपना मन से, 2 यहाँ पे लगाए हैं तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 4 − √3। अच्छा, 2 से हम गुना किए हैं जबरदस्ती, हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से फिर गुना करना पड़ेगा। अब हम इसको गुना करेंगे 1/2 को 4 से, तो ये 2 ही बन जाएगा, 1/2 को इससे गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 बनेगा। अब हम इसका वर्गमूल पता कर लेंगे। अब फिर से वही प्रोसेस, पहले तो हम 1/2 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 1/√2, 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं तो √2 ही रहेगा, ये 2 √3 × 1, 2 को हटाएंगे बचेगा क्या √3 और 1, वैल्यू माइनस में है माइनस में, यही आपका उत्तर हो गया। आप इसका स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 तो है यहाँ पे।
माइनस रूट 21 का वर्गमूल है, फिर से वही चीज आ गया है, यहां पे दो नहीं है, हम दो दे देते हैं अपना मन से, दो रूट 21, दो से यहां भी गुना करेंगे और एक बट्टा दो से पुनः गुना कर देंगे। अब इसका रूट निकालेंगे, ये आ जाएगा एक बट्टा रूट दो। अब इसको तोड़ेंगे, 2 × 7 × √3, ये बन जाएगा √7 और √3 माइनस में है, माइनस में आपका उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चार प्लस रूट सात का वर्गमूल क्या होगा? चार प्लस रूट सात का वर्गमूल, अब देखे तो चार प्लस रूट सात का वर्गमूल बताना है, दो यहां पे है नहीं, दो तो हमको लाना है, दो हम ला दिए, प्लस चार को दो से गुना करेंगे, आठ हो जाएगा, दो से यहां गुना के दो से यहां भी गुना करना पड़ेगा, पुनः हम एक बट्टा दो से गुना कर देते हैं। अब इसका वर्गमूल पता कर लेंगे, ये तो हो जाएगा एक बट्टा रूट दो। अब इसको तोड़ेंगे, 2 × √7 × 1, दो हटाएंगे, ये बन जाएगा √7, एक प्लस में है, वैल्यू प्लस में हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया। देखिए निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसमें दो नहीं रहता है उसका आंसर एक बट्टा रूट दो में होता ही होता है, जिसमें अगर दो नहीं रहता है उसमें एक बट्टा रूट दो आंसर होगा ही होगा, फिर से प्रोसेस वही रहता है। तो उम्मीद है इस टाइप्स के क्वेश्चंस अगर निकालने के लिए दिया जाए वर्गमूल के रूप में तो आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। देखिए क्वेश्चन है, 7 × 4 × 7 × 8 × 5 में क्या घटाएं घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें क्या घटाइएगा कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये बताना है। अब देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो हम अपने तरीके से बनाते हैं इसको। पहले देखिए अगर इस नंबर को अगर ध्यान से देखेंगे, ये दो लगातार नंबर है, दो लगातार नंबर है, और दो लगातार नंबर के प्रोडक्ट में क्या घटाना है कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो छोटा से छोटा नंबर ले लेते हैं लेकिन वो लगातार होना चाहिए। देखिए 2 और 3 ये दोनों लगातार नंबर है, अब गुना करते हैं, 3 × 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 में क्या घटाइएगा कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6 में 2 घटा देते हैं, 6 में 2 घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 में हम कौन संख्या घटाए हैं, तो छोटी संख्या घटाए हैं 2। फिर देखिए
चार गुना पांच ये होता है आपका 20। अगर कहा जाए 20 में क्या घटाइएगा कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो हम चार घटा देते हैं, चार घटा देते हैं 16। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, देखिए तो क्या घटाएं, छोटा नंबर चार घटाएं, फिर देखिए 6 गुना 7 ये हो जाएगा आपका 42। अगर पूछा जाए 42 में क्या घटाइएगा, देखिए तो 6 घटाइए तो 42 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। 36 का वर्गमूल भी 6 हो जाएगा, तो मतलब छोटा वाला नंबर घट रहा है। फिर देखिए 9 गुना में 8, 9 8 होता है 72। अब 72 में 9 और 8 में छोटा नंबर हो गया 8, 8 घटाइए, 8 घटाते हैं तो ये आ जाता है 64, जो एक पूर्ण वर्ग है। निष्कर्ष ये निकलता है कि दो लगातार नंबर के प्रोडक्ट में अगर आप छोटी संख्या घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या जो होता है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 784 आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 784 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके भी आपको बताते हैं। देखिए 785 को हम तोड़ करके लिखते हैं 784+1 और ये हो गया 784। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 784 को 784 से गुना करेंगे, 784 का स्क्वायर हो जाएगा, 784 को 1 से गुना करेंगे ये 784 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब वो पावर 2 के रूप में होता है। पावर 2 के रूप में है तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा, तो ये नंबर स्क्वायर के रूप में है तो ये नंबर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही। अब इसमें से बचता क्या है, ये बचता है आप इसको काट करके हटा दीजिएगा तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, तो आप किसको हटा दिए हैं, 784 हटा दिए हैं, यही 784 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका हो गया, सॉल्व करने के चक्कर में पड़ना नहीं है। दो लगातार नंबर रहेगा, क्या घटाइएगा कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हमेशा छोटा वाला नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 2 5 × 3 2 3 + x एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा। 325 × 323 + x एक पूर्ण वर्ग है तो x का क्या मान होगा ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है 225 × 323 में आप क्या जोड़ दीजिएगा कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम उसी तरीके से करने का प्रयत्न करते हैं, इसके सीक्वेंस को देख लेते हैं कैसा सीक्वेंस है ये। आप देखिएगा ये 2 का डिफरेंस है, इस दोनों नंबर में 2 का डिफरेंस है। अब देखिए कोई नंबर हम ले लेते हैं जो 2 का डिफरेंस में हो, देखिए 2 और 4 2 के डिफरेंस में है। अब इस दोनों को गुना करते हैं 4 × 2 = 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स जोड़ा गया है, तब पूछा जाए कि 8 में आप क्या जोड़िएगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब कहिएगा 8 में चलो 1 जोड़ देते हैं तो 9 बन जाता है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो आप क्या जोड़ रहे हैं, आप 1 जोड़ रहे हैं। फिर देखिए 3 × 5 ये हो जाता है आपका 15। 15 में क्या जोड़िएगा,
आप एक जोड़िएगा तभी तो 16 होता है, और 16 एक पूर्ण वर्ग है। फिर देखिए और नंबर ले लेते हैं, 7 गुना 9, 9 सत्ते 63, 63 में क्या जोड़िएगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आप कहिएगा 63 में चलो एक जोड़ देते हैं, 64 हो जाएगा, 64 एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो नंबर दो के गैपिंग में है और दोनों के गैपिंग में आप मल्टीप्लाई करते हैं और एक जोड़ते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू एक हो जाएगा तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि दो का गैपिंग रहता है और नंबर के प्रोडक्ट में एक जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनता है। तो वहां पे आप कुछ भी क्वेश्चन रहेगा इसके जगह पे कुछ दूसरा नंबर कर देगा, कह देगा प्लस पी एक पूर्ण वर्ग है, तो पी का वैल्यू एक ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इसको हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए तो हम 325 को तोड़ करके लिखते हैं, 323 प्लस 2, और ये 323 इसी तरीके से प्लस एक्स। अब देखिए 323 को 323 से गुना करते हैं, ये बन जाएगा 323 का स्क्वायर। 323 को 2 से गुना करेंगे, 2 × 323। अब देखिए ये बन गया आपका ए स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2 × a बन गया। अब यहाँ पे b लाना है, b का वैल्यू एक रख देते हैं क्योंकि इस नंबर को एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अब ए स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। अब यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि तो बी का वैल्यू तो एक आ गया है। तब देखिए यही चीज तो एक्स के जगह पे था, यही चीज ना एक्स के जगह पे था, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया आपका। तो पहले बोला बनाने के चक्कर में ना पड़ना है, इसका आंसर फिक्स है एक ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 3 4 7 8 का स्क्वायर प्लस 2 3 7 2 3 4 7 8 प्लस 2 3 4 7 9 का वर्गमूल, का वर्गमूल, इसका वर्गमूल बताना है। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, इसको छोटा करके हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। देखिए इसके इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे है, जो नंबर यहाँ स्क्वायर के रूप में है वही नंबर यहाँ अकेला है और उससे एक ज्यादा नंबर यहाँ पे है। जो नंबर यहाँ है उससे एक, वही नंबर यहाँ पे है और उससे एक ज्यादा नंबर आगे है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर। अब जो नंबर यहाँ था वही नंबर आगे था, आगे भी हम 2 को ही रख लेते हैं। अब उससे एक ज्यादा नंबर था, उससे एक ज्यादा नंबर 3, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9। अगर हम इसका वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए तो क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। फिर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 4 16, ये हो गया आपका √16, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 और 5 25,
इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। देखिए ये वाला नंबर उत्तर आ रहा है, मतलब अंतिम वाला नंबर हमारा क्या हो रहा है? उत्तर हो रहा है। यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा? 23, 47, 49। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23, 47, 9। अब देखिए इसको हम आपको बना करके भी बताते हैं, इसको हम आपको बना सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। अब देखिए इस टर्म को हम ध्यान से देखेंगे, इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों नंबर में ये मौजूद है, हम ये कॉमन ले लेते हैं। 2, 3, 4, 7, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2, 3, 4, 7, 8 यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, प्लस 23, 47, 9 उसी तरीके से, 23, 47, 9 इसी तरीके से। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 23, 47, 9, ये पूरा पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों से हम 23, 47, 9 कॉमन ले लेते हैं, फिर से 23, 47, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला भाग निकल गया, तो बचा आपका 23, 47, 8, तो ये हो जाएगा 23, 47, 8। यहाँ से ये पूरे निकल गया तो बच गया आपका 1। अब हम इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया 23, 47, 9 इंटू 23, 47, 9 ये बन गया। अब इसका वर्गमूल बताना है, यहाँ तो कह रहा है वर्गमूल बताना है, हम इसको सिर्फ सॉल्व करके रखे हैं। अब देखिए 2 गुना 2 का वर्गमूल क्या? 2। 3 गुना 3 का वर्गमूल क्या? 3। 4 गुना 4 का वर्गमूल क्या? 4। तो उसी तरह से 23, 47, 9 गुना 23, 47, 9 का वर्गमूल क्या? इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 23, 47, 9। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अंडर रूट 1 + 2 + 3 ये बढ़ते जा रहा है, 46 + 47 + 46 + 45 ये बढ़ते जा रहा है 1 तक, फिर से इसका वर्गमूल निकाल के बताना है आपको। देखें फिर से वही चीज, सीक्वेंस को हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये नंबर बढ़ते गया है 47 तक, उसके बाद फिर से क्या हुआ है? रिवर्स हो गया है। तो देखिए 1 + 2 दो तक गया, अब रिवर्स हो जाते हैं 1, ये हो जाता है आपका 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। फिर देखिए 1 + 2 + 3 अब रिवर्स होते हैं 2, तो 3, 3, 6, 3, 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। देखिए ये बीच वाला आपका उत्तर होते जा रहा है। फिर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 अब रिवर्स होते हैं, +3 + 2 + 1 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा जो 4 देगा। देखिए तो यही मिडिल वाला ही तो उत्तर हो रहा है, तब पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या होगा तो आप तुरंत बोलिएगा इसका उत्तर बीच में क्या पड़ जाता है? 47 पड़ जाता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे।
ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का दूसरा भाग था। अगले भाग में हम देखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का, किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरी के लिए है तो आप क्वेश्चन भी उसको ज़रूर सेंड करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज यहीं तक, अगले क्लास में फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।